ये जी निकल रहे हैं हम आज ईद की शॉपिंग करने के लिए, और ईद के भी 2-3 दिन पड़े हैं। हम चाह रहे थे कि शॉपिंग कर लें, मैं, मेरी बहन, उनके, हमारी फ्रेंड्स और उनके बच्चे, मेरी कज़न, उसके बच्चे। समझ नहीं आ रही गाड़ी में पूरे कैसे आएंगे। चलो देखते हैं क्या करते हैं, हमेशा की तरह फंस फंस के जाएंगे। हम भी देखते हैं कैसे बैठेंगे, बहुत सारे लोग हैं, आप भी देखिए कि हम कैसे एडजस्ट होते हैं, क्योंकि अकेले तो मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने का ना। तो जब सारे इकट्ठे होते हैं, साथ में होते हैं, तो फुल एंजॉय होता है, मस्ती होती है। यही पल होते हैं जो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। चलो जी, चले सब। ये है अशल, लाइट ऑन करो भैया। ये अशल, ये इनकी मदर, ये इनकी मदर नवाफिल। नवाफिल इधर देखो, मेरे साथ लगेगा। ये होती है गाड़ी के साथ जाती, ये होती है गधा गाड़ी, गाड़ी जिनको जाती गाड़ी के साथ जाती। ये है जी मनान, ये हमारी फ्रेंड्स है जी। बी खाला नीचे आ जाओ, और वो आगे उनकी मदर हैं, उनको नहीं हम दिखा सकते। अच्छा पार्टी कहते हैं जी, हमने डिग्गी बैठना क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो उनके साथ जाती हो रही गाड़ी के साथ। ये अब एडजस्ट हो रहे हैं बारी बारी, कभी कोई बैठेगा कभी कोई बैठेगा। लंबे हैं तो पूरे नहीं आएंगे, छोटे हैं तो पूरे नहीं आएंगे। अल्लाह, ये छोटी सी डिग्गी में इतने सारे बच्चों ने जिद कर ली हम इकट्ठे बैठेंगे। अब इनमें एडजस्ट होने में इतना टाइम लग जाना है ना, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे ये लोग। हद धोती है यार इन लोगों की, वो बहुत भारी है, वो किसी गोद में बैठेगा तो किसी के लिए गोद में एडजस्ट हो सकता था। अभी हम मार्केट पहुंचते हैं तो आपसे बात करते हैं। ये हम सब आए हैं अमाना मॉल लिंक रोड पे ईद की शॉपिंग करने, और ये सब हम आए हैं एक ही गाड़ी में। हाँ माशाल्लाह, देखे ये देखे, शरारती बच्ची हमारी, बहुत शरारती है ये। कुछ रह गए शायद, अच्छा लाइट्स ऑफ करनी थी। ये आप देखें कि मार्केट में कैसे रौनक लगी हुई है ये, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे हमेशा ईद पे होती है। 2 दिन बाद ईद है, लेकिन उस तरह से रश नहीं है जैसे हमेशा देखा है बंदे से बंदा लग रहा होता है। ये आप देख सकते हैं तो में, मुझे भी ये बताएं कि मार्केट में कहाँ रश है। ये अमाना मॉल है, क्या आप हमारे पीछे भी देख सकते हो, हमारी पार्टी ही है, हम लोग ही हैं, और आप कोई नजर नहीं आ रहा देखिए, बस हम लोग ही। ये रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सारी मेरी टीम है। ये देखिए आप, अच्छा रश है मगर गाड़ियों का है, शॉपिंग करने वाले लोगों का नहीं है। इसको छोड़ना, ये देखिए जी, आ जाए, आप भी आ जाए आराम से, आ जाए। ओके, अब हम मेट्रो में आ गए हैं, तो मेट्रो में जा रहे हैं। ये देखिए, मेरी लाइट कम है। फिंगर बर्गर इसका कर दे, मैं बारबेक्यू शॉर्मा चला हूँ, बारबेक्यू शॉर्मा। आप लोगों का पिज्जा मंगवाया, ओके, सबका लार्ज वाला, और एक ये चिकन का स्टील कर दे दो।
मम्मी भाई जान हमारा ऑर्डर ले रहे हैं आज, ठीक है। ये जलील करके रखा हुआ इसने, ये कर दे, ये मेरा बच्चा बड़ा है इसने डबल जलील किया और ये ऑर्डर कर करके थक जाइए आज, क्योंकि किसको खुद समझ नहीं आ रही क्या ऑर्डर करना है। दो चिकन पीस दे, ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखें से खौफ आता है, वो इतनी बूटी बूटी लगती है। ये देखो मेरे व्यूअर सारे डर जाएंगे, मेरी आंखें भी जी। दो चिकन पीस, ये इसका बेटा है, ये मेरी बहन है, आंखें देखो, दो दो डील करनी है। ये देखो मम्मा, ये मम्मा प्लीज हमें वहाँ खेलना है। इसकी गाड़ का नुकसान होगा तो क्या करेंगे हम? आप आया सदके जाओ, मेरे पास बस पैसे आए हैं, फुल बड़ी वाली ये हो गई, बाकी भी अच्छा कर लेता है। ये मुझे बता रही है सिखा रही कैसे करना है, ये 450 का जिंगर है, ये वाली भी डील है, इसमें क्या चीज है, ये कर देंगे। मैं नजर आ रही हूँ, ये सिखा रही है ऐसे कर रही है, मैं वैसे प्रैक्टिस करती हूँ, तब तक हमारा ऑर्डर आ जाएगा, फिर हम खाना खा लेते हैं। कैसे कह रही थी, गड़ा नहीं है, मज़े मज़े के खाने। ये ना मेरे ब्रदर लॉ कहते हैं कि हाँ भैंस, हाँ मेरी मज़े इधर आए ना जरा, ये तो इसकी शक्ल से बेचारे से लगता है भैंस, ऐसी आंखें देख के यही लगता है ना। हाँ अभी तो काजल नहीं लगा, काजल लगा था, इसकी आंखों में काजल लगा होता ना, कि अच्छा लगना था जी। खाना हमारा आ गया और हम इतने भूखे थे सारे के सारे, हमने खाना शुरू कर दिया और वीडियो बनाना भूल गए। अब कुछ लोगों ने खा लिया है, कुछ खा रहे हैं, कुछ ने शुरू कर लिया है, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें जो अब देखते जाएं आप, क्योंकि किसी को भी याद नहीं था कि हमने खाने की वीडियो बनानी है। चले खैर, अब खाना खा के बहुत थक गए आज, फिर के बच्चों के साथ तो बहुत बंदा खवार हो जाता है। गाइस हमने इतना खाना खा लिया है और इतना ज़्यादा बिल बन गया है कि हमारे पास पैसे जो हैं वो कम है, और अब हम इनसे कह रहे हैं कि हमसे कुछ काम करवा लें, बर्तन धुलवा लें, तो कह रहे हैं कि नहीं हमें पैसे दे। सीरियसली बताइए, गाड़ी पे आई हमारे पैसे ना होने। गाड़ी उधारी है, कभी कभी नहीं, गाड़ी हम किसी की लेके आए हैं, उसके पेट्रोल भी कम है। हाँ सर, उधार भी देना पड़ना है 1000 रुपए पेट्रोल के लिए आपको। हम बेचारा कंफ्यूज हो गया, वो चला गया। आपने क्यों कहा कि मजाक कर रही है, वो बेचारा खाना देख के आ रहा है, पागल हो, उससे ज्यादा तो आप परेशान हो। चाह रहा था भजन के साथ अच्छा मजाक करो कि इतने पैसे नहीं है तो आप इनमें से रखो, किसी को बर्तन धुला लो, किसी से झाड़ू लगवा लो और चूज इनमें से। क्यों, आप किधर जाएंगी? मैं भी होंगी ना। हाँ आप भी इधर ही हैं। मैं भी होंगी ना, मतलब वो खुद बताएंगे ना झाड़ू कौन लगाएगा। खाना बच्चों ने नहीं खाया, बच्चों का ऑर्डर सबसे ज्यादा था, तो वो बेचारे क्या परेशान होना। मेरी बहन मोटी पहले परेशान हो गई है। हाँ ये है मोटी, मोटी है देखिए, इसकी शक्ल 12 बज गए, ये बेचारे की नौकरी ना चली जाएगी। क्या देख रही हो, कुछ नहीं, किधर गया वो, कोने में लग गया। आप घबराए नहीं थे? कोई बात नहीं, वो बिल दे देता। खा के जो गाड़ी बैठ ऑर्डर किया और आप प्लेट्स ला रहे, बिल ला रहे और वो गया, क्या करोगे? वो हमारे खाते, कभी ऐसा हुआ? आपके खाते पड़ना था ना, आप हम पकड़ ही नहीं सकते बगैर। बस कर दे, क्यों तंग कर रहे हो उसे। मेरी बहन नाना होती तो मैं मजाक बहुत पक्का करती, मैं गाड़ी तक चली जाती, वो रोकते और मैं पता नहीं क्या क्या करती, वो सारा एंड में बता देती, ये प्रैंक था बिल्कुल। ये देखें गाइस, रात के 1 बज गए और अभी हम लोग घर आए हैं सब। हाँ जी, 1 बज गया है रात के 12 बजे। अब और मजीद बताने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लिया है वो सब दिखा नहीं सकती क्योंकि थक गए हैं, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अब सो जाएंगे बस। बहुत फिरे आज, बहुत फिरे, बच्चों के साथ फिरना बड़ा मुश्किल काम है।